Gentlemen, let's move on now. As an idea, the corporate governance model seems pretty propositive to create a well-built government machinery, in fact, both the state as well as the central levels. And as the Indian Republic completes 75 years of its existence, we've seen the evolution of the relationship between the center and the states evolve with the changing times as well. Now, today our states provide sound support to facilitate the growth of the nation by walking in step with the national policy. In fact, Chhattisgarh as a state has not only contributed to the national GDP, but has been steadily growing over the past 2 years at a steady rate of approximately 8%, a percentage higher than the national GDP. Our next speaker helms this prosperous state and could not be here today, but he sat down with us to speak to us on how states will add up to India's growth ambition. Please put your hands together for a special feature with the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel, in conversation with Managing Editor Mera Now, Nikunj Garg. मुख्यमंत्री जी, चूंकि इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है तो मैं आपसे इकोनॉमिक मसलों पर बात करूंगा. आपने हाल ही में एक बजट पेश किया है और बजट में आपने कहा, क्योंकि सरकार की आपकी बड़ी निंदा होती रही है इस मसले को लेकर, कि बड़े लोन लेते हैं सरकारें, राज्य सरकारों पर एक आक्षेप खासकर तब से लगने लगा है जब से आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करनी शुरू करी है कांग्रेस पार्टी ने और आपकी सरकार ने. ऐसा कैसे हो सकता है मुख्यमंत्री जी कि आप बिना लोन लिए सारे अपने वायदे पूरे कर दें? देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि वित्तीय अनुशासन बना कर रखना और दूसरा आय के स्रोत, जो आय है उसमें बराबर मॉनिटरिंग करते रहो और देखते रहिए कि ठीक से राजकोष में पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. तो हमने उसमें लगातार मॉनिटरिंग की और इसके कारण से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा. तो एक तरफ हमने रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन बनाने का काम किया और इस कारण से फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारी जो योजना है उसको हम लोग लागू करने में सफल रहे. मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार का ये भी दावा रहा है कि आप पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एमएसपी देते हैं किसान को, न्यूनतम समर्थक मूल्य है वो सबसे ज्यादा आप देते हैं. तो ये वाकई में सही है कि राजनीतिक तौर पे है? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि भाई सपोर्ट प्राइस में तो हम भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से ही वो सपोर्ट प्राइस बढ़ता है. केंद्र सरकार क्या सपोर्ट प्राइस में देती है भाई? हमारे पास मार्केटिंग फेडरेशन है, मार्केटिंग फेडरेशन को लोन लेने की गारंटी राज्य सरकार देती है. इस साल मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया. तो पैसा केंद्र सरकार की गारंटी दी क्या? राज्य सरकार ने दी. और बैंकों से हम लोन लेते हैं, उसका ब्याज देती है मार्केटिंग फेडरेशन, आखिर राज्य सरकार ही देती है. तो केंद्र सरकार कहां से आ गया? केंद्र सरकार चावल लेती है. जब हम उसको प्योक्योर कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं और उसके बाद उसके एफएम ब्याज जमा करते हैं और उस समय ये हमको, अब उनको जरूरत पड़ी तो 62 लाख कर दिए. एक समय था हमारे 26 लाख, जो 36 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे उसको 26 लाख कर दिए. आपने चिट्ठी भी लिखी थी भारत सरकार को, चावल हमारे जमा नहीं किया तो आखिर चावल धान को हमने नीलाम किया और सैकड़ों करोड़ को घाटा हम सहे. तो घाटा हम सहे उसमें ना, भारत सरकार ने कहा किया, उन्होंने कहा कि आप इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं. तो 2,500 में खरीदने का फैसला किया था तो हमने कहा भाई प्रति एकड़ 10,000 रुपए का दे देते हैं. उन्होंने कहा कि केवल धान भर में क्यों, तो हम मिलेट से भी देना शुरू किए, मक्का भी शुरू किए, गन्ना भी शुरू किए, सबसे ज्यादा हम लोग देते हैं. तो फिर इनपुट सब्सिडी हमने देना शुरू किया, तब जाके वो 62 लाख मीट्रिक टन हुआ. तो वो कभी खरीदेंगे बोलेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे चावल बोलेंगे, लेकिन धान तो हम खरीद ही रहे ना. इस साल तो 20 क्विंटल हमने किया. वो धान खरीदने में क्या सपोर्ट कर रहे हैं? उसको चावल चाहिए हमसे तो चावल लेते हैं. मैं तो ये कह रहा हूं भाई, हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए आप, हम इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, धान से इथेनॉल बना लेंगे और इथेनॉल का रेट आप तय कर दीजिए, इंडियन ऑयल खरीद ले हम वहां देंगे. वैसे भी अभी तक के पेट्रोलियम में 20% ही 20% तक आप मिला सकते हैं जी, अभी केवल 6% मिला रहे हैं जी. तो 14% का कुशन है आपके पास, लेकिन भारत सरकार जिद मेड़ी हुई है. मेरे फैल चल रहा, प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय में अटका हुआ. आपने चिट्ठी एक लिखी थी भारत सरकार को कई बार,
तो एक मुख्यमंत्री जी आपकी ये डिमांड है कि एथेनॉल को बढ़ाया जाए, एक लगातार डिमांड आपकी ये भी रहती है अगर हम वित्तीय मामलों की बात करें तो जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर, जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के केंद्र का दावा अभी है कि हमने जो राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा था वो हमारी तरफ से पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है, सब समय से मिल रहा है, ऐसा अब आप मानते हैं? देखिए एक चीज है कि ये जो जीएसटी का जो नियम है वो उत्पादक राज्यों के विपरीत है और ऐसे में औद्योगिकरण की विपरीत इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार क्यों, मतलब जो उत्पादक राज्य है जैसे छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है और हमको और उसका लाभ नहीं मिलता, जो कंज्यूमर स्टेट है उसको ज्यादा लाभ मिलता है क्योंकि जीएसटी उसको ज्यादा जाएगा और इसी कारण तो भारत सरकार ने 5 साल तक के कंपनसेशन की बात की। तो अब हमको हर साल 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है तो औद्योगिकरण के विपरीत जाएगा ना, क्यों राज्य फिर अपने क्षेत्र अपने प्रदेश में उद्योग लगाएगा, क्योंकि उद्योग लगाने के बाद तो पॉल्यूशन का है, जमीन का है और दूसरे प्रकार की बातें आती है तो उसे तो नुकसान ही होता है। तो औद्योगिकरण चाहिए तो आपको जिन राज्य उत्पादक राज्य हैं उसको कंपनसेशन देना चाहिए। पर ये फिर बात आप जीएसटी काउंसिल में उठाते हैं क्या मुख्यमंत्री? कितने बार लिखित में दे रहे हैं, इससे हमको नुकसान हो रहा है उत्पादक राज्यों को, प्रधानमंत्री से मिले हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं, तब भी बात उठाए। क्या रवैया रहता है सरकार का, केंद्र सरकार शांत है, चुप है, मत इसका मतलब नहीं करना चाहते। पंडित नेहरू के जमाने से कांग्रेस पार्टी की एक पोजीशन थी ओबीसी कास्ट सेंसस वगैरह को लेकर के, उस पोजीशन को अपने आप लोगों ने अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चेंज किया और कहा कि ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए, तो सामने से आरोप ये लगता है कि ये सब राजनीति के तहत है, आप अपनी राजनीति की सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं ओबीसी के मार्फत। देखिए ये चीज समझ लीजिए कि देश में अलग अलग समय जो परिस्थितियां रहती है उसके हिसाब से तत्कालीन सरकारें फैसला करती है। पहले उदारीकरण नहीं था, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक के उदारीकरण नहीं था, उसके बाद नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी से उदारीकरण हुआ, परिवर्तन आया ना, आप दोनों बोले दोनों बिल्कुल विरोधों पास है, उस समय जो स्थिति थी उस हिसाब से निर्णय लेते। आज कास्ट सेंसस की बात इसलिए किया जा रहा है कि 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गए लेकिन अभी भी चाहे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में, अपर क्लास में बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ रही हैं। तो जब तक के आपको जानकारी नहीं होगा, आपके पास डाटा नहीं होगा, आप उसके लिए योजना कैसे बनाएंगे? यदि योजना बनाते फिर काल्पनिक होगा कि ये इस जाति के ये वर्ग हमारे से छूट गया, ये एरिया छूट गया है, तो उस हिसाब से आपकी योजना बनेगी, तो ये योजना बनाने आपको सहूलियत होगी ना, तो इसलिए कास्ट सेंसस का आज मांग किया जा रही है। मुख्यमंत्री जी आपका बड़ा राज्य इन द सेंस हार्ट ऑफ इंडिया में है, बड़ा राज्य, आबादी जरूर कम हो लेकिन क्षेत्रफल काफी है, बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो कई देश के कई राज्यों से बड़ा क्षेत्रफल है, ऐसे में आपने भी डेटा की बात की और आपने कहा कि अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या योजनाएं आप बना रहे होंगे। सेंसस जो होना था देश का, जो हर 10 साल पे होता था, वो सेंसस नहीं हो रहा है। सेंसस हमेशा भारत सरकार कुछ पहले कोविड के वजह से दावा किया गया कि कोविड की वजह से नहीं करवा सकते थे, अब कोविड खत्म हुए, तमाम प्रोटोकॉल हटे हुए भी समय हो गया, अभी भी सेंसस नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि गवर्नेंस में कम से कम जो आपकी गवर्नेंस है, आप राज्य को सूबे को गवर्न करते हैं, उस गवर्नेंस में नए चैलेंजेस आएंगे इसकी वजह से अगर सेंसस समय से नहीं हो पाएगा तो? बिल्कुल होगा, 10 साल में होना चाहिए था, 2021 में हो जाना चाहिए, 2023 हो गया और उसके बाद भी आप सेंसस नहीं करा रहे हैं, आखिर बनाया क्यों जाता है, सेंसस किया क्यों जाता है? जनगणना भी और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों होते हैं, उन्होंने नहीं कराया, हमने आर्थिक सर्वेक्षण अभी करा दिया अपने राज्य में, जनगणना तो हम नहीं करा सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जरूर करा दिया, उसमें कुछ बिंदु में हम आर्थिक सर्वेक्षण किए और उसके आधार पर आगे हम योजना बनाएंगे। देखिए जैसे हम ट्राइबल की बात करें, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति है, 32% उसकी जनसंख्या है, कितने जो जनजाति हैं वो आगे बढ़ गए, बहुत सारी जनजाति हैं जो पिछड़े हुए हैं, और हमारे प्रिमिटिव टाइप के अभी करीब 9600 पद हम लोग निकाले सीधी भर्ती के लिए क्योंकि प्रिमिटिव टाइप्स, तो ऐसे अब उसमें भी अब अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन से प्रिमिटिव टाइप्स अब आगे बढ़ गए, तो जब तक कि आप आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करेंगे तब तक की बात कहां बनेगी, इसीलिए जनगणना होना चाहिए, इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। कर्नाटक में आपकी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला है, बड़ा मैंडेट मिला है, आपको लगता है आपने कई सारे चुनाव अब पार्टी के ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर, सीनियर लीडर के तौर पे करके देख लिए हैं, आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में
क्या चला हिमाचल में, क्या चला जो बाकी जगह पे नहीं चल पा रहा था, या अब हवा में कोई ऐसा परिवर्तन है जिससे लग रहा है कि माहौल बदलने लगा है? देखिए, जो जुमलेबाजी है उसे जनता उड़ चुकी है। जो लगातार आप आश्वासन देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, उससे काफी लोग नाराज हुए। आप बेरोजगारी, रोजगार देने की बात आपने की थी, वो किए नहीं। 15 लाख तो खाली जुमला ही है। महंगाई कम करने की बात है, आप उजरा बांट दिए। अब वो महिलाओं के पहुंच के बाहर हो गए। 400 मिलता था, अब 1200, 1150, 1200 हो गया। आप खाने के तेल देखो और जितनी भी चीजें वो लगातार बढ़ती जा रही है। आय के साधन सिमटते जा रहा है। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी। सबसे ज्यादा देश बड़ी आबादी तो किसानों की है, आय दुगुनी तो नहीं हुई, आधी हो गई, लेकिन कृषि की लागत है वो दुगुनी जरूर हो गई। तो इससे उब गए हैं। हिमाचल में भी ये बात आई, कर्मचारी वर्ग भी खासा नाराज है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय मामला भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। कितने दिन तक के आप धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ करके आप वोट लेते रहेंगे? आखिर जनता समझती तो है, आखिर उनके भी पेट का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आप लोग एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत भी अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश से की थी और उस कैंपेन में भी हिंदुत्व काफी कलर में है। कमलनाथ जी हिंदुत्व को लेकर काफी कलर में है, आप खुद एक रामगमन पथ के लेकर के अभी, इसीलिए आप लोग आप हमारे पास नहीं आ पाएंगे जो आप कर रहे हैं फंक्शन। तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व की एक अप्रोच है। सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसे कि कम से कम हिंदुत्व के नाम पे कांग्रेस को कोई ये ना कह सके कि ये हिंदुओं के खिलाफ पार्टी है, जो कि एक ताना या तमगा आपके ऊपर लगता रहता है। देखिए, ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है और स्वतंत्र है आप, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहजने संवारने में लगे हैं। अब बताइए, देश या दुनिया में कहीं भी आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है? हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के 3 साल तक के और उसमें अंतर्राष्ट्रीय विदेशों की 26 टीमें आई थी, 26 देशों की टीम आई थी, हमारे इतना लोकप्रिय हुआ। तो ये क्या हिंदुत्व की बात है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहते हैं, उसके सबके रहन सहन खान पान बोली परंपराएं अलग अलग है, उसकी संस्कृतियां हैं। तो हम उसे देश और दुनिया मानचित्र में क्यों ना लाए? यदि राम है वो हमारे, चूंकि छत्तीसगढ़ के भांजे के रूप में जानते हैं, भांजा राम के रूप में जानते हैं, और हमारे जनजीवन में रचा बसा है, तो हमारी संस्कृति में है। तो यदि संस्कृति की बात को उठाएं, यदि हम उस मामले से वोट मांगे तब गलत है। आप तो राम के नाम से वोट मांगते, राम के लिए करते क्या है? मंदिर खोलेंगे अभी जनवरी में, बस एक ठो, हम तो 3-3 भगवान राम की मूर्ति लगा दी वहां, इतना छोटा छोटा छत्तीसगढ़। और कोई हल्ला गुल्ला नहीं किए, चंदखुरी में किए, सबरी नारायण में किए, राजेंद्र में किए, फिर जितने भी बौद्ध परिसर है हमारे यहाँ 10 वर्किंग मंडल फैला हुआ है। नागार्जुन जी वहां रहे, तो उस परिसर को डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ताकि देश के विदेश के यात्री आए वहां। तो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहजने संवारने का काम हम लोग कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं गौ माता की, गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन हम 10,000 का उठान बना दिए। गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं, गोबर से अर्थव्यवस्था, लोगों का अर्थव्यवस्था सुधर रही है, गाय की सेवा भी कर रहे हैं। तो ये हमारे किसानों की परंपराएं रही है कि पशुपालन भी करना है। अब पशुपालन आज अनार्थिक हो गया है, उसको आर्थिक कर रहे हैं। तो एक तरफ हम ये जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहजने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कहां आ गया भाई कि उसके कार्ड हम दे रहे हैं, हिंदुत्व के कार्ड कर रहे हैं? ये तो हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। नहीं तो अभी तक छत्तीसगढ़ को नक्सली के नाम से जानते थे, नक्सलगढ़ के नाम से। आज तो जानने लगे कि छत्तीसगढ़ में क्या है, अब दूसरे रूप में आप बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी सबसे पहले सवाल आपका नक्सल के मामले में होता, लेकिन पहला सवाल वो हुआ नहीं, अभी तक भी नहीं पूछे हैं। उसका कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी चीजों को हमने देश और दुनिया के मानचित्र में सामने ला रखा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने व्यस्त शेड्यूल से एक समय निकाला, थैंक यू, धन्यवाद आपका जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।